वेलकम इन संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल, कक्षा पहली, विषय हिंदी। यह व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से हैं यह व्यंजन? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो यह व्यंजन बनते कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनाया जाता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्ष, क्ष यह संयुक्त व्यंजन आधा क और श से मिलकर बनाया जाता है। आगे है त्र, त्र यह व्यंजन आधा त और र मिलाकर बनाया जाता है। आगे है ज्ञ, ज्ञ यह व्यंजन ज और ङ, इन व्यंजनों को मिलकर बनाया जाता है। आगे का संयुक्त व्यंजन है श्र, श्र को आधा श और र मिलकर श्र यह संयुक्त व्यंजन बनता है। आगे है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, यह चार संयुक्त व्यंजन है। तो चलो पहले हम देखेंगे क्ष से बनने वाले शब्द। क्ष से क्षत्रिय और क्ष से क्षमा यह शब्द बनते हैं। क्षत्रिय मीन्स वॉरियर, क्ष से क्षत्रिय बड़ा बलवान, युद्ध में दिखाए कर्तव्य महान, ऐसा है क्षत्रिय, उसे इंग्लिश में वॉरियर कहते हैं। आगे है क्ष से क्षमा और क्ष से ही शब्द है क्षेत्र। आगे का संयुक्त व्यंजन है त्र, त्र से त्रिशूल शिव का, रक्षक है यह सबका, ऐसा भगवान शिव का त्रिशूल होता है। आगे है त्र से त्रिकोण और त्र से त्रिमुख, भगवान दत्ता, इनको तीन मुख होते हैं इसलिए उनको त्रिमुख कहा जाता है। आगे का संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, मीठी है इनकी वाणी इसलिए इनको ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञ से है ज्ञानदा, ज्ञानदा से माँ सरस्वती का नाम है ज्ञानदा, ज्ञानदा यह ज्ञान की देवता होती है। आगे है ज्ञ से ज्ञानेश्वर और उन्होंने जो किताब लिखी थी उसे ज्ञानेश्वरी कहते हैं। ज्ञ से ही और एक शब्द है ज्ञानकोश, उसे इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। आगे का हमारा संयुक्त व्यंजन है श्र, श्र से श्रमिक, नित्य करता श्रम, न करे विश्राम, करता अपना कर्म, ऐसा होता है श्रमिक। आगे देखेंगे श्र से शुरू होने वाले कुछ शब्द, जैसे कि श्र से श्रम। आगे है श्र, आश्रम और विश्राम, इसमें श्र का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों आज हमने क्ष, त्र, ज्ञ और श्र यह चार संयुक्त व्यंजन सीखे हैं और उनसे बनने वाले कुछ शब्द सीखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद बच्चों।